नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास बेबी जंपसूट की बहुत फरमाइश आ रही थी, तो आज मैं 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए जंपसूट का फर्स्ट पार्ट लेके हाजिर हूँ। इसमें मैं जंपसूट का पैर कैसे बनेगा ये बताऊँगी। तो बॉर्डर में मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं, आप कोई भी फंदे डाल सकते हैं, और 42 स्टिचेस मैंने डाला हुआ है। तो 42 स्टिचेस डालने के बाद मैंने 22 लाइन 22 रोज बुन लिया है। आप चाहे तो 26 भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 22 रोज डाला हुआ है, और अब 22 रोज़ बनने के बाद इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो मैं दो रंग का मैं बना रही हूँ। देखिए, ये सिंपल सा डिज़ाइन, लेकिन बनने पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो अब हम दूसरा रंग लगाएंगे। और फिर तीसरे फंदे में हम एक बार सीधा बुनेंगे, और इसी में एक बार बैक से सीधा बुनेंगे, तो एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर दो फंदा सीधा बुना, तीसरे में एक बार सामने से बुनेंगे और एक बार इसी फंदे में बैक से बुनेंगे, तो ये दूसरा फंदा बढ़ गया। इसी तरह दो दो फंदे के बाद हम ऐसे तीसरे फंदे में दो बार बुनेंगे, तो एक एक फंदा बढ़ता चले जाएगा। इसी तरह करते हुए हम 12 फंदे बढ़ा लेंगे। कहीं कहीं पर तीन तीन फंदे बुन लेंगे, और कहीं पे दो दो फंदे, और ऐसे एक फंदे में दो बार बुन के हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह हम कुल 42 फंदे हैं और 12 फंदे बढ़ा लेंगे, तो हमारे पास 54 स्टिचेस हो जाएंगे। अब हमारी सिलाई पे 54 स्टिचेस हैं, और इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। बॉर्डर भी मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया था, और ऊपर भी मैं 10 नंबर की सिलाई से ही बना रही हूँ। दो लाइन गुलाबी बनाने के बाद अब हम दो लाइन सफ़ेद रंग के उनसे बनाएंगे। आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर दो लाइन गुलाबी रंग के उनसे बुनेंगे, आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। और अब हम फिर दो लाइन सफ़ेद रंग के उनसे बनाएंगे। तो पहले लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे, फिर ये सफ़ेद तीसरा लाइन, और ये गुलाबी से पांचवा और छठा लाइन हो गया है, और अब ये सफ़ेद रंग के उनसे सातवां लाइन है। तो सातवें लाइन में हम दूसरे फंदे में दो बार बुन के एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब हमें हर सातवें लाइन पे एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में दो फंदे बढ़ाने होंगे। दूसरी साइड भी अब देखिए दो फंदे बचे हुए हैं, तो सेकंड लास्ट में एक बार सीधा बुना और इसी में एक बार बैक से सीधा बुन लेंगे, तो फंदा बढ़ जाएगा। तो सातवीं लाइन में हम दो फंदा बढ़ा लेंगे, और फिर रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे।
अब हम 8 लाइन गुलाबी रंग के उनसे सभी फंदे सामने से सीधे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 13वां लाइन है और यहाँ से हमने फंदा बढ़ाया था 7वें लाइन से, तो ये यहाँ से ये 7वां लाइन है, यानी कि इस लाइन में फिर हमें एक फंदा बढ़ाना होगा, दोनों साइड में एक एक फंदा। हर 7वें लाइन में हमें एक एक फंदा साइड में बढ़ाना होगा। और फिर हम दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह हर 7वीं लाइन में हम फंदा बढ़ाएंगे और अपना जो पैटर्न है उसको कायम रखेंगे। गुलाबी रंग के ऊन से 8 लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हमें 2 लाइन, यहाँ पे जैसे हमने 2 लाइन गुलाबी, 2 लाइन सफ़ेद, 2 गुलाबी, 2 सफ़ेद बनाया था, इसी तरह 8 लाइन हमें 2 सफ़ेद, 2 गुलाबी, 2 सफ़ेद, 2 गुलाबी बनाना होगा। और फिर 7वें लाइन पर, जहाँ हमारा 7वां लाइन पड़ेगा, वहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने भी होंगे। तो हर 7वें लाइन में 2-2 फंदे बढ़ाते हुए हम कुल 62 फंदे तक आएंगे और 62 फंदे हो जाने के बाद हम बढ़ाना रोक देंगे और बस हमें लंबाई पूरी करनी होगी। अब ये फिर हमारा 7वां लाइन है, तो इसमें हम दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ा लेंगे। हर 7वीं लाइन में हमें साइड में 2 एक एक फंदे बढ़ाने होंगे। इस तरह कुल हम 62 फंदे तक आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-2 लाइन बनाते हुए 8 लाइन कंप्लीट हो गया है। चूँकि 7वां और 8वां लाइन गुलाबी रंग से है, यानी नेक्स्ट 8 लाइन हमारा सफ़ेद रंग से होगा। तो अब 8 लाइन हम सफ़ेद रंग के ऊन से बुनेंगे। फ्रेंड्स, ये पैटर्न देखने में बहुत आसान और सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये तो जब तैयार होगा तो आप देखेंगे ही। मैंने इस डिज़ाइन में वी नेक में हाफ स्वेटर और फुल स्वेटर बनाया था और वो दोनों बहुत ही प्यारे लगते थे। तो इसी तरह हमें 8-8 लाइन बुनना है। इस तरह 8-8 लाइन का पैटर्न बनाते हुए मैंने 48 रोजेज कंप्लीट कर लिया है। 62 फंदे कंप्लीट हो जाने के बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस अपने इस लंबाई को कंप्लीट करना है। तो बॉर्डर के बाद ये 48 रोज हैं, 48 लाइंस, और इस समय इसकी लंबाई है लगभग 20 सेंटीमीटर और ये जम सूट का के पैर का लंबाई पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इतना तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।